गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी भवन में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें 17 समस्याओं पर सुनवाई हुई और मौके पर ही 14 समस्याओं का निवारण कर दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और गुरुग्राम के अधिकारियों को नसीहत दी कि वह अच्छा काम करेंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा और गलत करेंगे तो कानूनी कार्यवाही होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में शहर की 17 समस्याओं को रखा गया और इसमें से 14 समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। नगर निगम, पुलिस, प्रदूषण विभाग व अन्य विभागों की इस बैठक में कई समस्याएं थी, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यहां पहुंचे शिकायतकर्ताओं से उनकी शिकायतें सुनी और उसके बाद अधिकारियों से इन सभी समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर मौके पर ही उनका निवारण किया। गुड़गांव ग्रीनसिटी कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें 17 परिवार थे, जिनमें से 14 का हमने निवारण किया है, 3 को पेंडिंग छोड़ा है। और इस मीटिंग में हमने ये भी फैसला किया है कि ज़्यादातर शिकायतें गुड़गांव के अंदर MCC से संबंधित हैं, तो एक मीटिंग हम अलग से अधिकारी और जनता की पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनने के लिए MCC के अधिकारियों को बुला के अलग से करेंगे और वाइड पब्लिसिटी करके जितने भी MCC शिकायतें हैं उसकी सुनवाई करेंगे। दूसरा, हमारे जो ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य हैं उनको भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए एक मीटिंग उनके साथ भी अगली मीटिंग से पहले करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि जितनी भी जनता की समस्याएं हैं वाइडर स्कोप हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जनता की समस्याओं का समाधान हो। और अधिकारियों को हम यही कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा शिकायत आते हैं तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि आप जनता की सुनवाई नहीं कर रहे, और जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसको हम इनाम देंगे और जो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा गुड़गांव में उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, आज तक पुलिस के खिलाफ एक कंप्लेंट आई, उसका क्या? पुलिस के खिलाफ एक कंप्लेंट आई, इंक्वायरी नहीं की गई? ऐसा है, जो भी मैंने आपको बताया है कि जो 17 शिकायत आई थी, 14 के हमने कर दिया, 3 को पेंडिंग रखा है। शिकायत अलग अलग विभाग की आती रहती है और हर शिकायत पर कार्रवाई हम करते हैं। सर, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि संसद में डिफेंस यूनिवर्सिटी का मुद्दा कोई भी सांसद नहीं उठा पा रहा है हरियाणा सरकार में, इस तरह से देखते हैं उन्होंने संसद के अंदर कांग्रेस जो है मुद्दे उठाना नहीं चाहती, सिर्फ प्रेस के अंदर हल्ला गुल्ला करना चाहती हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि विदेश में जाके विदेश की धरती में जिन अंग्रेज़ों के हमारे ऊपर शासन रहा उनको ये कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, तो इससे बुरी बात हो नहीं सकती। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमारे देश में कुछ कमियाँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, तो देश का फैसला देश में होगा, विदेशी धरती में या विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं हो सकता। और सारा देश इसकी भर्त्सना कर रहा है, कंडम कर रहा है, और जितनी बोलने के अधिकार, बोलने की आज़ादी हमारे देश में है इतनी दुनिया में कहीं नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों की बात नहीं करती बल्कि लोगों को मुद्दे से भटकाती है। विदेशी धरती पर देश का अपमान करना बहुत गलत बात है। भारत देश के अंदर सभी लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं कि वह विदेशी धरती पर देश का अपमान करे। कांग्रेस सांसद में मुद्दे की बात नहीं करती बल्कि मीडिया में रहने के लिए बेवजह माहौल बनाने की कोशिश करती है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।